नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट। आप अपना उस प्लॉट में कोठी बनाने जा रहे हैं या बंगला बनाने जा रहे हैं, तो उसमें वास्तुशास्त्र के नियमानुसार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके प्लॉट के ईस्ट में भी गली लगती है, यानी पूर्व में भी गली लगती है, और साउथ यानी दक्षिण में भी गली लगती है। आपका प्लॉट कॉर्नर का बनता है। आपके प्लॉट की जो मेन गली बनती है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा की बनती है। ऐसे में आपने अपनी कोठी, अपना बंगला किस प्रकार बनाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपना जो मेन गेट है वो मेन गेट आपने अपने प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। गेट के ठीक सामने नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक नॉर्थ के भाग में आपका कंप्लीट ड्राइववे बन जाएगा। आपने अपनी जो बिल्डिंग बनानी है वो बिल्डिंग आपने साउथ वेस्ट के कोने की ओर बनानी है, यानी आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो चारों तरफ से ओपन स्पेस रख के बना रहे हैं। उसमें आपने जो ध्यान रखना है, जो आपका साउथ का ओपन एरिया है उससे नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही जो आपका वेस्ट पश्चिम दिशा का ओपन एरिया है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा के भाग में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए, खुला स्थान ज़्यादा होना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको अंदर का सेटअप किस प्रकार से बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपने अपने यहाँ पर किचन कहाँ बनानी है? आपने अपने यहाँ पर किचन साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपनी किचन बनानी है। किचन के साथ ही आपका अपना वॉशिंग एरिया बनेगा, और वॉशिंग एरिया के बैक साइड में आप अपना मंदिर बना सकते हैं। डाइनिंग एरिया आपने यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर आपका अपना डाइनिंग एरिया आ जाएगा। आप यहाँ पर अपना डाइनिंग एरिया नहीं बनाते तो वॉशिंग एरिया से लेके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक आप इतना कंप्लीट ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना डाइनिंग एरिया बनाना है और नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने अपना ड्राइंग रूम बनाना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने मास्टर बेडरूम कहाँ बनाना है। मास्टर बेडरूम आपने साउथ वेस्ट के भाग में, साउथ वेस्ट के भाग में आपका अपना मास्टर बेडरूम बनाना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ वेस्ट के भाग में मास्टर बेडरूम सबसे अच्छा माना जाता है। मास्टर बेडरूम के साथ आप अटैच यानी मास्टर बेडरूम के नॉर्थ के भाग में आप ड्रेसिंग और टॉयलेट बनाएं। ऐसे ही आपने एक ड्रेसिंग और टॉयलेट यहाँ पर भी बनानी है। ये आपकी अपनी ड्रेसिंग है, ये आपके अपने टॉयलेट बन जाएगी, और जो आपका दूसरा बेडरूम है वो बेडरूम आपका ये बन जाएगा। आपने अपने यहाँ पर किचन स्टोर कहाँ बनाना है? किचन स्टोर आपने यहाँ पर, यह आपका अपना किचन स्टोर बनेगा, और आपने अपने यहाँ पर स्टोर जो बनाना है वो मास्टर बेडरूम के साथ आपका यहाँ पर, ये आपका स्टोर बन जाएगा। आपने अपने यहाँ पर जो स्टेयर्स बनानी है वो स्टेयर्स आपके साउथ के भाग में, यहाँ पर आपके अपने स्टेयर्स बन जाएंगी, जो कि आपके स्टेयर्स क्लॉकवाइज ऊपर जाएंगी, यानी जो आपका पहला स्टेप होगा वो पहला स्टेप आपका ये होगा। आपने अपने यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट भी बना लिया, वो कॉमन टॉयलेट आपने अपने बेडरूम के साथ यानी नॉर्थ की दीवार के साथ आपने यहाँ पर एक अपनी टॉयलेट बनानी है।
ये आपकी अपनी कॉमन टॉयलेट बन जाएगी। आपने अपने यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस बनानी है वो मेन एंट्रेंस आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपनी मेन एंट्रेंस बनानी है। ये आपका अपना डोर बनेगा और डोर के साथ में आपने यहाँ पर विंडोज़ बनानी है, यानी डोर के लेफ्ट में भी और राइट में भी आपकी अपनी विंडो बन जाएंगी। और इसी में ध्यान रखना है जो आपका ईस्ट का भाग है और जो आपका अपना नॉर्थ का भाग है, यहाँ पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाजे लगाने हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग कहाँ करनी है। पानी की बोरिंग आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपनी पानी की बोरिंग करनी है। पानी की बोरिंग के साथ में आप अपना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ करानी है वो भी आपके अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर बनेगी। ऐसे ही आपने अपने यहाँ पर बिजली के लिए अर्थिंग करानी है तो वो अर्थिंग भी आपकी ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर बनेगी। आपने अपने यहाँ पर जनरेटर रखना है तो जनरेटर आपका साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपका अपना जनरेटर आ जाएगा। आपका प्लॉट टू साइड ओपन है, कॉर्नर का प्लॉट है और आप उसमें चाहते हैं कि एक गेट और लगाया जाए, वो गेट आपने साउथ वेस्ट के भाग में नहीं लगाना है। यहाँ पर आपने गेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान कैसे करनी है, फर्श की ढलान साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने फर्श की ढलान करनी है। बनी बिल्डिंग की ढलान भी आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करनी है। ढलान यानी स्लोप, जो आपका बनी बिल्डिंग का फर्श बनेगा उसका जो स्लोप है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करना है। ऐसे ही जो आपकी छत बनेगी, जो टेरेस बनेगी, उसका स्लोप भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही करना है। उसमें आप रेन वाटर पाइप ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर 1, 2, 3, 4 जितनी भी पाइप आपने लगानी है वो लगा सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी जितने रेन वाटर पाइप आपने लगानी है वो लगा सकते हैं। रेन वाटर पाइप लगाने का मतलब जो आपका बरसात का जो पानी है वो पाइप के द्वारा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार आप अपने ईस्ट और साउथ कॉर्नर के प्लॉट में अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, अपनी कोठी बना सकते हैं, अपना बंगला बना सकते हैं। आपकी कोठी, आपका अपना बंगला बना हुआ है और उसमें वास्तु की त्रुटि है, वास्तु की कमी है और आप अपने यहाँ पर वास्तु सुधार करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि मेरी बातें बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपकी अपनी बनी हुई कोई भी बिल्डिंग है और उसमें आप वास्तु सलाह लेना चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।